नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। AIGDSU यूट्यूब में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बोला हूँ, खासकर इंडिया पोस्ट में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का संबंध में। साथियों, हम लोग कुछ बहुत पहले कुछ वीडियो में बोला गया था, अभी साइकिल पाइप का कंप्लीट हुआ है और स्पेशल ड्राइव का पहले लिस्ट आ चुका है। अभी इस साल और एक साइकिल आएगा करके हम लोग बोला था जून में, कुछ लोग जून में डेट भी फिक्स कर लिया था दूसरी, परंतु हम लोग बोला गया कब आएगा हम लोग का पता होते हम लोग इन्फॉर्म करेगा करके। साथियों, इस महीने 6 साइकिल के लिए नोटिफिकेशन होने को उम्मीद है। कितना पोस्ट का, अभी 17 तक को 17 जुलाई तक को स्पेशल ड्राइव का रिक्रूटमेंट चल रहा है और इसके बाद पहले हमारा साइकिल पाइव का 5th लिस्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो आके डिपार्टमेंट में ड्यूटी रिपोर्टिंग करने के लिए यही समय निर्धारित हुआ है। इस महीने 25 के अंदर आने वाला साइकिल कितना पोस्ट हो, परफेक्ट पोस्ट कितना है पता हो जाएगा। अभी मोटा मोटी ये पता लगा है 30,000 का आसपास में साइकिल 6 का नया रिक्रूटमेंट आ रहा है। हम लोग भी ऑफिसर से चर्चा किया 3 दिन के पहले, अभी लगभग 1,00,000 लोगों का शॉर्ट लिस्ट निकाला है। कितना पोस्ट के लिए, पार्टी प्लस पोस्ट के लिए 52,000-53,000 पोस्ट के लिए लगभग 1,00,000 के ऊपर शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसमें 50% से ज्यादा लोग बहुत गलत किया है। बहुत गलत मतलब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से आपका मार्क से 100 मार्क से आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, फिर भी आप ऑनलाइन में करने में वो गलत किया है, किसी जगह में आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है और अभी वास्तु में चल के देखो वो तो आपका नहीं। बहुत हम लोग देश भर में हम लोग का चर्चा हुआ, कुछ SBI DOPT आपका मदर क्या DOPT इस तरह जानबूझ के भी कुछ लोग ऐसे, उनको तो अपॉइंटमेंट में नहीं आएगा। कुछ लोग पोर्जरी का कारण है, ये भी अपॉइंटमेंट तो ले नहीं सकता, यदि लिया हो तो भी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, ये भी उनको भी ये नहीं होगा। वास्तु में पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऑनलाइन मेरिट के ऊपर होगा, 10वीं का अगली साइकिल पाइव 10वीं का आधार पर होगा। हाँ, थोड़ा चेंजेस रिक्रूटमेंट रूल में आया है, यही नॉर्थ ईस्ट का कुछ जगह में कुछ स्टेट से, मैं पहले एक वीडियो में 7 सिस्टर बोलता है इंक्लूडिंग आसाम, नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, सारे है। कुछ सर्कलों का, कुछ डिवीजनों का स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, स्टेट्स अलग अलग है, परंतु हम लोग पोस्टल में एंटायर नॉर्थ ईस्ट का एक ही सर्कल माना जाता है, परंतु उनको भाषा का आधार पर रिक्रूटमेंट होना है। अभी तक कुछ एक आर दो अरुणाचल इत्यादि में उनको गैजेट में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन नहीं किया, इसलिए बहुत लोग अभी चल के अरुणाचल में चल के अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, प्रयास होगा, उनको ये करना तकलीफ है, उनको कुछ लोग लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने उनको सिग्नेचर नहीं, यदि हमारा सामने आप लोग कोई आप लोग का नॉर्थ ईस्ट में तकलीफ आए हो तो लिखित में भेजो हो तो इस इशू का एड्रेस करने के लिए आप मुझे लेटर लिखा हो तो हम डायरेक्ट रेट में उनको भेजो, हम लोग इस समस्या का समाधान करेगा बोल रहा है। खासकर स्थानीय अकोमोडेशन देने के संबंध में और स्थानीय पंचायती का मुख्य वगैरह साइन नहीं कर, इसका भी एड्रेस करेगा। यही इस तरह आप लोगों में यही बोलते हो, मेरा समाप्त करता हूँ। आप अप्लाई करने में एक ही मोबाइल का यूज करना, एक ही मेल का यूज करना,
आपको क्या डाटा भरना इसका परफेक्ट करके एक नोटबुक में नोट करके रखिए, इसी का इंफॉर्मेशन देना है। यदि छोटा गलती हुआ वो तो भी आपका अनुर्जित हो जाएगा, मतलब आपका वैल्यू नहीं रहेगा आपका एप्लीकेशन। इसलिए इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय में भी डबल क्लिक कर लिया नहीं चलेगा। यदि कुछ केसेस में डिस्कशन किया, झारखंड इत्यादि में दो पोस्ट पर दो दो आदमी का आ गया, यदि पहले फोर्थ लिस्ट में आ गया फिर फिफ्थ लिस्ट में आ गया वो तो भी उनको क्या करना, मैं प्रश्न रेज किया। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कैटेगरिकली बोला है ये गलती स्थानीय अथॉरिटीयों ने किया नहीं, मतलब वो फोर्थ मेरिट लिस्ट में आके उन्होंने सेलेक्शन हुआ है परंतु उनको पोस्ट का वेरिफिकेशन हो गया करके सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं किया। फिर फिफ्थ लिस्ट में नेचुरली आ गया कोई नहीं आया करके, अभी उनको फिफ्थ लिस्ट में आया हुआ उनको क्या करना, अभी डिपार्टमेंट का एक कमिटमेंट है दोनों का अकोमोडेट करेगा करके, मतलब फिफ्थ लिस्ट में आया हो कोई दूसरी पोस्ट में उनको दिया जाएगा, यदि फोर्थ लिस्ट में उनको सक्सेस हो चुका उनको भी रखेगा कोई नहीं का, परंतु इस मुद्दों का लोकल अथॉरिटी अपडेट करना है। अपडेट करके इसका डायरेक्टरेट का इन्फॉर्म किया हो तो इस संबंध में एक पॉलिसी बना के सारे इसका दिया जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है एक आर दो परसेंट में इस तरह आता है, इसका भी डिपार्टमेंट जरूर सकारात्मक को करेगा करके हम लोग का विश्वास अश्योरेंसेस दिया है। इसलिए आप लोग को कोई ग्रीवियंस हो इस पर हम लोग का आप लेटर लिख के आपका रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश किया हो तो हम आप लोग का मदद करेगा, इसका टेकअप करने का कार्य करेगा। और साथियों यही बोलते हुए आप अगली जरूर इस महीने 27-28 के अंदर इस महीने के अंदर और जानकारी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले महीने से। पिछली भी मार्च में जनवरी के पहले 15 के बातें हुआ था, अभी अगले महीने ओके अगली इस साल तक आखिर तक चलेगा, यही 30,000 का आसपास का पोस्ट आ रहा है, 1,000-2,000 आगे पीछे हो सकता, यही हम लोग का उपलब्ध हुआ है। इसलिए आप लोगों 6 साइकिल के लिए अप्लाई करने के लिए तैयारी बना के रखिए, मन बना के रख के सही सही इंफॉर्मेशन दे के आप डिपार्टमेंट में आने के लिए कोशिश करिए। लगभग 1 साल से 80-90,000 लोगों का डिपार्टमेंट अवसर दिया, जरूर 50% रेट में आ रहा है, 50% निकल जाता है, इनवैलिडेशन हो जाता है, इस तरह है। इसमें लगभग 30,000 मतलब 30,000 के आसपास में ज़्यादा भी हो सकता, यदि 1,500 कम भी हो 1,500 कम भी हो सकता, इसी गात्र में साइकिल 6 आ रहा है। यह साइकिल 6 में आप अप्लाई करने के लिए तैयार रहे बोलते हुए मेरा बात समाप्त करूँगा। ये विशेष में कभी कभी हम लोग सोशल मीडिया में तो एक्टिव है किसी किसी मुद्दे पर, इससे हम लोग का ज़्यादा जानकारी आई हो तो इशू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के संबंध में भी आपका सही सही जानकारी, यदि आप लोग का कब रिजल्ट आएगा, अभी डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, कैसे करना, छोटा छोटा सूक्ष्म बिंदुओं का सेंसिटिव इश्यूज को आप ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करने का कोशिश करिए, इससे आप लोग का मदद होगा, मदद जरूर मिलेगा। हमारा यूनियन तरफ से भी आप लोग का कुछ मार्गदर्शन तो मिलता है, बहुत लोग हम लोग का हजारों लोग हम लोग का रिप्लाई वगैरह करता है सोशल मीडिया में, उनको भी हम लोग स्वागत है। अभी दोबारा नया 30,000 लोग का यदि पहले आप डाला हो तो आपका सक्सेस नहीं हो तो इस बार होने को उम्मीद है। इस बार स्पेशल ड्राइव में भी परसेंटेज कम हुआ है, अभी इसी तरह ये थोड़ा कम होने को उम्मीद है। आने वाला समय में हम लोग भी कोशिश कर रहा है GDS का रिक्रूटमेंट रूल में कुछ बदलाव के लिए प्रयत्न करेगा, यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।